Okay, good morning students. Today we are going to continue our fourth chapter of geography, that is climate. And yesterday we have discussed about the three definitions of weather, climate and monsoon. What we have discussed, what is weather? Weather is a temperature of particular place at a particular point of time. किसी भी जगह का particular point of time पे जो temperature है that is called as weather. Now what is climate? Climate is a sub total of weather. Weather phenomena मैंने एक बताया था, similar pattern. Summer में एक similar pattern चलता है, winter में एक similar pattern चलता है, ठीक है, rainy season में एक similar pattern का pattern चलता है. तो सारे patterns का जब sub total कर देते हैं, that is a climate. Over a large area, say a country, and over a long period of time, that is called as climate. Now, what is monsoon? Monsoon is a seasonal reversal of wind, or in simple term, we can say it is a season. What it is? Season. And India is a different season. That's why climate of India is called as a monsoon type of climate. Clear? Besides that, we have discussed the factors that affect the climate of any place. जिसमें अपन ने discuss किया latitude, ठीक है? Latitude affect करता है, जैसे-जैसे equator के पास के regions हैं, that is tropical region. ऊपर चले जाएंगे subtropical और ऊपर move करते जाएंगे तो polar region. तो latitudes decide करते हैं किसी भी जगह के climate को, temperature को, ठीक है? फर्दर अपन ने डिस्कस किया एल्टीट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड इक्वेटर से डिस्टेंस, एल्टीट्यूड सरफेस एरिया, लैंड से कितनी एलिवेटेड, कितने हाइट पे एरिया जिसमें अपन ने प्लेट्यूज और माउंटेन्स में टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होता है वो डिस्कस किया. आफ्टर दैट प्रेशर और विंड सिस्टम, जिसमें अपन ने हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया डिस्कस किया. Winds always blows from high pressure to low pressure area. और ये जो high pressure और low pressure area, it keeps on shifting. Summer में high pressure area हो जाता है land की तरफ, और ये sorry low pressure area हो जाता है land की तरफ, और high pressure area होता है sea से. ठीक है, तो sea to land जो है winds blow करती है, तो obviously sea से blow करेंगी तो moisture bearing winds blow करेंगी, वो बारिश लेकर जाती है, जबकि विंटर में उल्टा हो जाता है, लैंड टू सी विंड्स ब्लो करती है तो वो ड्राई विंड्स ब्लो करती है. क्लियर? उसके बाद अपन ने पढ़ा ओशन करंट्स के, उस समय जो है ओशन में किस तरह की वार्म ओशन करंट्स हैं या कोल्ड ओशन करंट्स हैं, वो अफेक्ट करती है आसपास के टेम्परेचर को. उसके अलावा अपन ने डिस्कस किया डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितना समुद्र के पास का एरिया होगा, सी के पास का एरिया होगा, उतना ज्यादा मॉडरेटिंग अच्छा इन्फ्लुएंस होगा, और जितना इंटीरियर लैंड में एरिया होगा वहां पे हीट ज्यादा होगी. और लास्ट अपन ने डिस्कस किया था रिलीफ फीचर, ठीक है, रिलीफ फीचर मीन्स माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, अलग अलग जगह के रिलीफ फीचर्स डिसाइड करते हैं वहां के क्लाइमेट. इतना क्लियर है? आज हम पर्टिकुलरली सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किन चीजों से अफेक्टेड है, दैट इज लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड विंड सिस्टम. लैटिट्यूड में अपन पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि इंडिया कौन से लैटिट्यूड में लाया करता है, 8 degree 4 north से लेके 37 degree 0.6 north लैटिट्यूड में लाया करता है. और ट्रॉपिकल रीजन कहाँ है, इक्वेटर से 20 degree north और 20 degree south. तो अब इंडिया में किस तरीके का क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों. कैसे, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है देखो, फर्स्ट चैप्टर देखो, फर्स्ट पेज बुक का ये देखा, फर्स्ट पेज. अब फर्स्ट पेज में देखो 0 degree इक्वेटर का है, देखा, और ये इंडिया बना हुआ है येलो कलर से, ये दिख रहा है. तो इंडिया का जो नीचे वाला टिप है, सदर्न टिप, वो है 8.4 degree north. ये जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है ना इंडिया का, ये देखो, ये किस लैटिट्यूड पे लाए कर रहा है, इंडिया का सदर्न टिप शुरू हो रहा है 8.4 degree north से, और ऊपर जो है नॉर्थ मोस्ट टिप खत्म हो रहा है 37.6 degree north. और मैंने आपको क्या बताया कि इक्वेटर 0 degree से 20 degree तक होता है ट्रॉपिकल एरिया,
जीरो डिग्री से 20 डिग्री तक होता है ट्रॉपिकल एरिया। तो इंडिया किस में 8 से 37, तो 20 डिग्री भी आ रहा है और 20 डिग्री के ऊपर का एरिया भी आ रहा है, समझ में आ रही बात। तो ट्रॉपिकल रीजन भी आ रहा है और सब ट्रॉपिकल रीजन भी आ रहा है, और इंडिया को दो भागों में डिवाइड करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पोर्शन अपन मान लेते हैं सदर्न पोर्शन ट्रॉपिकल रीजन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सब ट्रॉपिकल। तो इंडिया में दोनों तरीके के क्लाइमेट है, और ये क्यों है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से, क्लियर। दूसरा अपन पढ़ेंगे एल्टीट्यूड, इंडिया के क्लाइमेट को वहां के माउंटेन्स की हाइट भी अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, इंडिया में हमारे पास क्या है, ये मूवमेंट मत करो बेंच का, हमारे पास है हिमालयन माउंटेन्स, और हिमालय की हाईएस्ट पीक है 6000 मीटर हाई, ठीक है। अब जो सेंट्रल एशिया से पोलर जो विंड्स बहती है, फ्लो होती है ठंडी हवाएं, तो हिमालय क्या करता है, एक्ट एज ए बैरियर, वो सेंट्रल एशिया से ऊपर, देखो ये सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं बहकर आ रही है हिमालय उनको रोक रहा है। अगर हमारे पास हिमालय नहीं होता तो आज यहाँ का क्लाइमेट कुछ और ही होता, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंड हमको फील करने को मिलती। ये जस्ट इतनी ठंड इंडिया में नहीं है बिकॉज ऑफ ओनली हिमालय। तो हिमालय का एल्टीट्यूड डिसाइड करता है इंडिया के क्लाइमेट, क्लियर। थर्ड चीज हम पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम, जो हाई प्रेशर लो प्रेशर बार बार मैं आपको बता रही हूँ वो अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। ये लो प्रेशर हाई प्रेशर के एरियाज के अलावा दूसरी फ्लो होती है जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम्स क्या होती है, मैंने कल आपको बताया था कि इक्वेटर के सामने क्या होता है, बिल्कुल सन होता है, हीट होती है बहुत ज्यादा, हॉटेस्ट प्लेस होता है, तो वहां पे हीट होने की वजह से क्या होती है, हवाएं ऊपर की तरफ ब्लो कर जाती है और नीचे क्या डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर एरिया। अब ब्लो करके कहां जाती है, ऊपर ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की तरफ क्या हो जाता है, हाई प्रेशर एरिया। अब एक हाई प्रेशर एरिया तो वो चल रहा है ऊपर बैंड, अब उससे भी ज्यादा हाई प्रेशर एरिया होता है पोल्स की तरफ। सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी होती है, नॉर्थ पोल्स टिप, वहां पे उससे ज्यादा हाई प्रेशर एरिया होता है, और हाई प्रेशर पोल्स का जो हाई प्रेशर एरिया है वो उस हाई प्रेशर एरिया को अट्रैक्ट करता है, जिससे एक अलग ही लेयर जो है हवा की चलने लगती है, उस हवा को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। और वो इतनी फास्टर स्ट्रीम होती है, इतनी फास्टर ट्रेड विंड्स होती है कि अगर कोई उसके अपोजिट जाने की कोशिश करता है तो वहां पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्लैश हो जाते हैं। जैसे कि अपन एरोप्लेन का एग्जांपल ले लें कि एरोप्लेन अगर जेट स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, हम डिस्टेंस बहुत ही कम समय में कवर कर लेंगे। अगर वही एरोप्लेन जेट स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में कोशिश करेगा जाने की तो वहां पे एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, क्लैश, कोई भी उस जेट स्ट्रीम को क्रॉस नहीं कर सकता, इतनी तेज हवाएं चलती है, तो वो भी इंपैक्ट करती है इंडिया के क्लाइमेट। कैसे, इंडिया में थ्रू आउट द ईयर जो है वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, सिर्फ एक समर में फ्लो नहीं करती, वो समर में ऊपर की तरफ चली जाती है। आपका चैप्टर खोलो एक बार वापस, पेज नंबर 29, देखा ये जो फर्स्ट दे रखा है ऊपर, ये देखो हिमालय है, यहाँ पे ये सदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया के ऊपर हिमालयस है, हिमालयस के नीचे ये हर समय पूरे साल जो है जेट स्ट्रीम फ्लो करती है। ये देखो ये वाली जो है ना बेटा, ये साउथ वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है जो हर समय थ्रू आउट द ईयर हिमालयस के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, सिर्फ समर्स के समय ये कहाँ चली जाती है, ये देखो ऊपर चली ना, के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, और समर्स में साउथ वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम की जगह इंडिया में फ्लो करना शुरू होती है इक्वेटर से 14 डिग्री नॉर्थ की तरफ ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम। ये नीचे वाले डायग्राम में देखो, ये जो डॉटेड वाली है ना, ये डॉटेड वाली कितनी बेटा, ये है ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम जो कि सिर्फ ब्लो करती है समर्स में, और ये जिस डायरेक्शन से बहकर आती है वहां से काफी बार अपने साथ मॉइस्चर भी लाती है, और ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है इंडिया के क्लाइमेट को। तो इंडिया के क्लाइमेट को प्रेशर विंड कंडीशन के साथ साथ जेट स्ट्रीम्स भी, जेट स्ट्रीम्स को बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन, उसके अलावा वेस्टर्नली साइक्लोनिक डिस्टरबेंस जो वेस्टर्न कोर्ट्स में साइक्लोन्स आते हैं उनकी वजह से भी इंडिया का क्लाइमेट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता रहा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखे जाते हैं, प्रॉपर्टी की डैमेज देखी जाती है कोस्टल एरियाज में।
अब इतना पोर्शन हम लोग रीड कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे इंडियन मॉनसून, ठीक है। तो जो बच्चे घर बैठे हैं वो सेल्फ रीड करना, जिनको डिफिकल्टी है वो पूछ लेना। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडियन मॉनसून। मॉनसून कैसा है इंडिया का? सीजनल है, अलग अलग सीजन है। तो ये जो सीजन से कब पता चला, किसी साइंटिस्ट ने खोज की क्या इसकी? नहीं, पुराने टाइम में जब ट्रेडर्स अरब ट्रेड करने आते थे, व्यापार करने आते थे ना, तब जब वो समुद्र के थ्रू आते हैं, पुराने टाइम में ट्रेड कैसे होता था? वाटर रूट से होता था, सी रूट से होता था। तो वो सी से ट्रेवल करते थे, तो उन्होंने फील किया कि हवाएं जो है अलग अलग सीजन में अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है। उन्होंने डायरेक्शन को समझा, उन अरब्स ने, उन ट्रेडर्स ने ही इस सीजनल रिवर्सल को नाम दिया मॉनसून का। उनको पता चलता था कि भाई इस सीजन में हवाएं इस डायरेक्शन में जाएगी, तो अगर हमको उस तरफ ट्रेड करने जाना है तो इस सीजन में जाना है, वापिस आना है तो अलग सीजन में आना है, क्योंकि सीजनल रिवर्सल होगा विंड का। तो ये जो मैकेनिज्म था पूरा मॉनसून का, ये पुराने टाइम के ट्रेडर्स ने ही खोज कर निकाला था। अब इंडिया के मॉनसून को, सीजन्स को कौन कौन से टर्म्स वेरीफाई करती है? तो आपके बुक में सबसे पहला टॉपिक दे रखा है डिफरेंशिएट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड, जिसको कॉन्टिनेंटलिटी भी कहते हैं। मैंने कल भी आपको ये बताया था कि जो लैंड वाला पोर्शन है वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। यही कारण है कि समर्स में, गर्मियों में जमीन जल्दी गर्म होती है, तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे क्या डेवलप हो जाता है? लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया हमेशा वही डेवलप होता है जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। वाटर धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए हाई प्रेशर एरिया का डेवलप हो जाता है नीचे इंडियन ओशियंस की तरफ, ठीक है। इसलिए विंड्स ब्लो होती है उस डायरेक्शन से, साउथ वेस्ट से, और यही कारण है मॉनसून का, क्लियर। अब नेक्स्ट थिंग है द शिफ्ट ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बेटा, इसको समझो। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ITCZ क्या होता है? ये होता है लो ट्रफ या लो प्रेशर एरिया। जनरली ये क्या होता है? इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में एक्सपीरियंस होता है। 0 डिग्री जनरली लो प्रेशर एरिया यहाँ पे 5 डिग्री सपोज नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में होता है, पर कभी कभी जो है ये ऊपर की तरफ 20 डिग्री तक भी मूव कर जाता है। और 20 डिग्री में क्या आता है? अपना इंडिया आता है। तो कभी कभी ये इंडिया की तरफ, स्पेशली समर्स में जो है, ये ITCZ इंडिया के जो गंगा प्लेन्स है उस तरफ भी ट्रफ और लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है, जो कि अट्रैक्ट करता है मॉनसून का। तो ITCZ एक बहुत ही लो, इक्वेटर में तो कभी कभी गर्मी और कभी कभी नॉर्मल टेम्परेचर भी आपको फील होगा, पर ये जो ITCZ है यहाँ पे हमेशा ही गर्मी फील होगी। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो दोनों डायरेक्शन से विंड आती है ना, जहां पे भी ये ट्रफ डेवलप होगा वहां आके दोनों डायरेक्शन की विंड्स आपस में मिल जाती है। आ रही है समझ में? दोनों डायरेक्शन की विंड्स आपस में आके कन्वर्ज हो जाती है, और इतना खतरनाक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है कि फिर वो मॉनसूनल मॉइस्चर लेडन विंड्स को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। तो जहां पे भी ये ट्रफ डेवलप होता है, ITCZ जिस समय भी शिफ्ट होता है जहां पे भी, वहां पे उन एरियाज में बहुत ही खतरनाक बारिश पाई जाती है। तो सबसे मैक्सिमम रेनफॉल वहां पे होती है जहां पे ITCZ डेवलप होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन डेवलप होता है। नॉर्मली ये होता है 5 डिग्री नॉर्थ में, पर कभी कभी ये शिफ्ट हो जाता है 20 डिग्री तक, जो कि इंडिया के अंदर आ जाता है गंगा प्लेन्स की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन है इंडिया में मॉनसून का, जो इंडिया का मेघालय साइड है जहां पे मैक्सिमम रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ दिस ITCZ। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है अपना हाई प्रेशर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। देखो बेटा, ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये हिमालयन रीजन है। अब जो इंडियन ओशियन है ना बेटा, इंडियन ओशियन के 20 डिग्री साउथ में बना हुआ है मेडागास्कर एक आइलैंड, ठीक है। इंडियन ओशियन के 20 डिग्री साउथ में बना हुआ है मेडागास्कर। तो इंडिया में मॉनसून कहाँ से आ रहा है? जब यहाँ पे प्लेन्स में लो प्रेशर एरिया डेवलप हो रहा है ना समर में, तो ये मेडागास्कर में हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है, और ये मॉनसून एंटर होता है इंडिया में, तो ये भी अफेक्ट करता है इंडियन क्लाइमेट को।
दूसरी चीज अपन पढ़ रहे हैं टिबेतन प्लेट्यू जो कि चाइना की तरफ है ऊपर यहाँ पे। ये टिबेतन प्लेट्यू जो है प्लेट्यूज वाला एरिया क्या होता है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हीटेड हॉटेड हो जाता है समर्स में और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है इट अट्रैक्ट्स द मॉनसूनल विंड तो दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया या मॉनसून ऑफ इंडिया। लास्ट अपन देख रहे हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्नली और वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि थ्रू आउट द ईयर जो है हिमालय के नीचे जो है वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम ब्लो करती है सिर्फ समर्स में नहीं ब्लो करती है विंटर्स थ्रू आउट द विंटर ब्लो करती है और विंटर्स में क्या हेल्प करती है मॉनसून को रीट्रीट करने में कंट्री से बाहर निकालने में कहीं ना कहीं फोर्स करती है ठीक है। तो ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द इंडियन मॉनसून एंड डिसाइड्स द डिफरेंट सीजंस ऑफ इंडिया। अब लास्ट अपना बच गई दो चीजें सदर्न ऑसिलेशन और अल नीनो या फिर दोनों को कंबाइन करके बोला जाए तो ई एन एस ओ सदर्न ऑसिलेशन अल नीनो। अब ये दो चीजें समझो सदर्न ऑसिलेशन और अल नीनो क्या है ये बेटा समझो इंडियन ओशियन है इस तरफ है पैसिफिक ओशियन। जनरली क्या होता है पैसिफिक ओशियन में होता है हाई प्रेशर और इंडियन ओशियन में होता है लो प्रेशर विंड्स ऐसे ब्लो करते हैं पर आफ्टर 2 to 5 years और 7 years क्या होता है कभी कभी चेंज आता है एटमोसफियर में और उल्टा होना शुरू हो जाता है यहाँ हो जाता है लो प्रेशर यहाँ होता है हाई प्रेशर। जब ये रिवर्सल होता है विंड में तो इस फिनोमिना को नाम दिया गया है सदर्न ओसिलेशन क्योंकि सदर्न साइड में ओसिलेशन मतलब बदलाव आ रहा है सदर्न एरिया में बदलाव आ रहा है इसलिए इसको नाम दिया गया है सदर्न ओसिलेशन। क्लियर है। अब अल नीनो समझो अल नीनो क्या है अल नीनो देखो ये मेडागास्कर मैंने बताया इस तरह से पेरिनियल कोस्ट ठीक है पेरुविन कोस्ट है। अब पेरुविन कोस्ट क्या हमेशा ठंडा रहता है कोल्ड रीजन है ठीक है कोल्ड रीजन है कोल्ड रीजन है तो यहाँ पे क्या डेवलप है हाई प्रेशर और पेरुविन कोस्ट के पास बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में होता है लो प्रेशर। अब विंड्स कैसे ब्लो करती है हाई टू लो तो जनरली क्या चलता है पेरुविन कोस्ट से विंड्स यहाँ ब्लो करती है मेडागास्कर से विंड्स यहाँ ब्लो करती है। After every 4 to 5 years या 7 years क्या है क्रिसमस के टाइम पे विंड्स अलग तरीके से चलना शुरू होती है पेरुविन कोस्ट हो जाता है हॉटेस्ट एरिया लो प्रेशर डेवलप हो जाता है ठीक है लो प्रेशर डेवलप हो जाता है ये तो ऑलरेडी लो प्रेशर ही है और हाई प्रेशर यहाँ पे और लो प्रेशर यहाँ पे तो तीन जगह हो गई लो प्रेशर के हाई प्रेशर हो गया एक मेडागास्कर और पेरुविन कोस्ट पे जो लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप होता है सारी हवाएं जो यहाँ से कहाँ उल्टी चलना शुरू हो जाती है और इसका अफेक्ट इंडिया पे क्या आता है इंडिया में मानसून न के बराबर आता है कम आता है ड्रॉट लाइक सिचुएशंस डेवलप हो जाती है समझ में आया। तो इस फिनोमिना को बोला गया है अल नीनो। अल नीनो मतलब बेबी ऑफ क्राइस्ट क्योंकि क्रिसमस के समय पे आता है एक बदलाव इसलिए उसको क्रिसमस से जोड़ा गया है और फाइनली ये दोनों जो बदलाव है सदर्न ओसिलेशन वाला और अल नीनो वाला दोनों साउथ में देखने को मिलता है इसलिए दोनों टर्म्स को जोड़कर ENSO कर दिया गया है। अब किसी को नहीं समझ में आया अभी पूछ लो बार बार बोलने की ताकत तो मेरी भी खत्म हो जाती है। सदर्न ओसिलेशन पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में जो बदलाव है नॉर्मली हवाएं चलती है पैसिफिक टू इंडियन पर कुछ सालों में जो बदलाव आता है उल्टी हवाएं चलने लगती है उसको बोला गया है SO और एल नीनो बोला गया है पेरुविन कोस्ट में जो ठंडी हवाओं की जगह गर्म हवाएं चलती है और लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है जो कि अट्रैक्ट कर देता है इंडियन मॉनसून को मेडागास्कर की हवाओं को जिसकी वजह से इंडिया में ड्रॉट आता है उसको बोला गया है अल नीनो और दोनों क्योंकि साउथ डायरेक्शन में बदलाव देखे जाते हैं इसलिए दोनों को जोड़कर ENSO कर दिया गया। अब जो मैंने वीडियोस आपको भेजे उसमें फिशिंग विशिंग काफी कुछ बताया गया जो आपके काम का नहीं है। अगर नॉलेज पर्पज से आपको अच्छा लगता है तो आप देखो अदरवाइज आपकी नॉलेज के लिए जितना मैंने बताया उतना इनफ है उतना ही आपकी बुक में दिया हुआ है इसमें कोई कंफ्यूजन है रीड कर लेते हैं अब आज इतना ही करेंगे ठीक है।